अभी देखिए, मैं samsung.com के वेबसाइट पे हूँ, अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था। एक्चुअली ये देखो, मैं यहाँ पे ये वीडियो एडिट कर रहा था और ये वीडियो पार्ट मैंने पहले फिल्म किया था। एंड जस्ट अभी मैं चेक कर रहा था कि एक्चुअली मैं कैसे ओके और अगर मैं गाइस आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊं, सी अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं फुटेज, ये गैलेक्सी A23, A13 और A53 का है। क्लियरली आप देखेंगे यहाँ पे A23 का जो वीडियो है उतना स्मूथ नहीं है, ये एग्जैक्टली सेम है जैसे कि A13 में दे रहे हैं। होना नहीं चाहिए बिकॉज A23 में OIS दिया गया है, बट सेम तरह की कहानी मुझे Realme 9 Pro Plus में भी दिखाई पड़ी थी, जहाँ पे एक्चुअली आई थिंक सबकी OIS फोटोज़ के लिए था। मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं लगा, जस्ट ऐसे ही कहा गया था कि यहाँ पे OIS दिया गया है। बट वीडियोज़ को देख के तो गाइस ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे OIS दिया गया है। ओनली ट्रू वे फाइंड करने का यही है कि मैं फ़ोन को टियर डाउन करूँ इन द फ्यूचर, देन हम पता लगाएं। तो ये तो था कहानी जो एक्चुअली में दिखा। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस देखेंगे सैमसंग की वेबसाइट पे गैलेक्सी A23 का, ये इंडिया वेबसाइट आप देख सकते हैं, और अगर मैं यही A23 है ना, मैं बार बार डबल चेक कर लूँ, आपको दिखा दूँ, यस यही A23 है। कंपनी के हिसाब से यहाँ पे आपको 4K वीडियो रिजोल्यूशन का सपोर्ट मिलता है, और बहुत सी वेबसाइट ने ये सब मेंशन भी किया है। अभी मैं आपके सामने कैमरा ऐप ओपन करता हूँ, करेक्ट, वीडियो ऑप्शन पे आता हूँ, और अगर मैं आपको वीडियो के सेटिंग में दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे जस्ट आपको मैक्सिमम फुल HD एंड HD ऑप्शन दिख रहा है। जबकि सेम अगर हम यहाँ पे जाते हैं गैलेक्सी A23 में, और यहाँ पे आप देखेंगे ऑफकोर्स यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है UHD 30, यानी कि सैमसंग की वेबसाइट पे इटसेल्फ रॉन्ग लिखा हुआ इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकेशंस। आई मीन यू गाइस कैन डबल चेक इट, यहाँ पे जस्ट फुल HD है। लेट्स चेक आउट दिस स्लो मोशन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लिखा है स्लो मोशन HD 120 FPS। आई डोंट थिंक सो कि ये HD 120 FPS है, यहाँ पे कुछ मेंशन भी नहीं देगा। एनीवेज चलिए मान भी लें, बट वीडियोज में क्लियरली रॉन्ग है। तो दो पार्ट यहाँ हमें पता चला, फर्स्ट जो कंपनी कह रही है 4K यहाँ पे तो सपोर्ट ही नहीं है, ऑल्सो जो OIS है आई थिंक सो वो फोटोज के लिए इफेक्टिव है, बिकॉज अगर हम A50 से कंपेरिजन देखें तो वहाँ तो वीडियो तो स्मूथ है बिकॉज वहाँ पे OIS है, यहाँ पे थोड़ा सा झोलझाल है। वेलकम बैक गाइस, जनरली मैं अनबॉक्सिंग तो फेसबुक पे करता हूँ, लेकिन आज बारी है मेगा अनबॉक्सिंग करने की। यूजली मैं 5 स्मार्टफोन्स तो एटलीस्ट लेता ही हूँ, प्लान मेरा था कि सारे A सीरीज का, लेकिन जब मैं लेने गया देन फिलहाल 3 ही अवेलेबल थे, A13, A23 एंड दी A53। A33 एंड A73 भी है, जैसे हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। और A सीरीज का फ़ोन सैमसंग के लिए रियली इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट ईयर का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सैमसंग का बेस्ट सेलिंग जो स्मार्टफोन था, सबसे बेस्ट सेलिंग और वर्ल्ड के टॉप 10 सेलिंग फोन्स में जो 7th प्लेस पे था, वो था सैमसंग गैलेक्सी A12, यानी कि इस फोन का प्रीडिसेसर। लेट्स सी कि A13 कैसा है। A20 इसलिए इंपॉर्टेंट था लास्ट ईयर बिकॉज वो चीपेस्ट फोन था जिसमें OIS था, और ये फोन भी चीपेस्ट फोन है टेक्निकली जिसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है। ऑफकोर्स कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, वही तो आज हमें फाइंड आउट करना है। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट गैलेक्सी A53। ऑल्सो बॉक्स का आप देखेंगे साइज चेंज हो गया A53 में, वेलकम बैक, चार्जर यहाँ से भी गायब हो गए। और इसका डिज़ाइन आप देखेंगे काफ़ी सिमेट्रिकल फील हो रहा है, हम सिमिलर कह सकते हैं सैमसंग के S22 सीरीज से। मेक फॉर इंडिया नॉट ट्रूली लाइक जो मेड इन इंडिया छाप की कंपनियाँ घूमती रहती हैं। लेट्स सी गैलेक्सी A53। एंड ऑफकोर्स गाइस इन सभी की हम मेगा डिलीवरी भी ट्राई करेंगे। फ़ोन में बाद में आते हैं, यहाँ ऑफकोर्स हमने देखा ये क्या है, 15 वॉट का चार्जर है, वाह पूरा बाहर निकला है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको एक टाइप सी केबल ही मिलेगी, USB A to USB Type-C। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी कुछ है बट कोई केस आपको नहीं मिलेगा गैलेक्सी A13 में। इस फोन को साइड करते हैं एंड आते हैं गैलेक्सी A23 पे। ये कलर मुझे काफी ब्यूटीफुल लग रहा है, 50 megapixel विथ OIS। टेक्स्ट का कलर है वो फोन में एग्जैक्टली सेम है जिस कलर का आपने फोन लिया है, एग्जैक्टली वही लिखा गया है। ऐसा कलर हमने पहले भी देखा था। यहाँ पे बिगिन USB A to USB Type-C। एंड लेट्स सी चार्जिंग कितनी कैपेसिटी का है, ये भी 15 वॉट का ही है। एंड एट द लास्ट हॉटेस्ट फोन A53। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकेशंस नहीं लिखे हुए, जस्ट यहाँ पे प्राइसिंग चिपका दी गई है, दैट्स इट। एंड या वी फॉरगॉट टू चेक, यहाँ पे कोई केस नहीं है A23 में भी।
इसको फिर बाद में देखते हैं, लेट्स सी व्हाट एल्स। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रीमियम डिज़ाइन दी गई है आईफोनिश स्टाइल की। फाइनली एक केबल तो निकली यहाँ पे, यूएसबी टाइप सी तो टाइप सी है। वेलकम बैक टू फोन्स। और मैं इस कलर के बारे में बता रहा था, ये रिमेंबर जो रियलमी एक्स का फ़ोन आया था ऑनियन गार्लिक वाला, नाउ था फोकस आवा। ऑफ कोर्स कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है। एंड दी गैलेक्सी A23, यहाँ पे भी कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है। एंड एट द लास्ट गैलेक्सी A53, एक कलर और इन सभी में अवेलेबल है, वो वाइट कलर का है। दैट्स वाई मैंने वाइट नहीं पिक किया, बिकॉज आपको कलर ऑप्शन दिखा दूँ तो इस तरीके के चार डिफरेंट कलर में आपको ये फ़ोन मिलता है। सो ऑन दी फर्स्ट इंप्रेशन डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए ये दोनों कम्प्लीटली ग्लॉसी में, लेकिन ए सीरीज़ में आपको यहाँ पे मैट फिनिशिंग डिज़ाइन दी गई है, जस्ट लाइक प्रीवियसली जो ए 52S और 52 में थी। डिज़ाइन मोरलेस सिमिलर ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ऑफकोर्स हेडफोन जैक गायब हो चुका है जो यहाँ पे बॉटम में था। A13 मोरलेस देखने में सैमसंग का ही ट्रेंड लग रहा है S22 अल्ट्रा में, जैसे हमने देखा है लाइक जस्ट कैमरा बाहर है और फ्लैट यहाँ पे जो रियर पैनल दिया गया है। और यहाँ पे अभी भी लास्ट ईयर के ट्रेंड है, A22 में लास्ट ईयर आपको याद होगा थोड़ा सा स्क्वायरिश यहाँ पे कैमरे का फ्रेम था, लेकिन यहाँ पे अब लास्ट ईयर के A52 का ट्रेंड यहाँ पे अप्लाई किया गया है। और गुड पार्ट देखिए, जो बटन यहाँ पे दिए गए हैं लाइक इस कलर में, वो भी एग्जैक्टली वैसे ही हैं। लेट्स चेक आउट दी सिम ट्रे। तीनों फ़ोन में आप SD कार्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे ड्यूअल 4G सिम कार्ड प्लस SD कार्ड, यहाँ पे भी ड्यूअल 4G प्लस SD कार्ड। ये 5G है तो यहाँ पे या तो 1 सिम कार्ड और SD कार्ड या 2 सिम कार्ड आप लगा सकते हैं ऑन दी 5G। फाइनली गाइस सेटअप भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट लेट्स चेक आउट दी डिस्प्ले। सैमसंग गैलेक्सी A30 में आपको 6.6 इंचेस की फुल HD पैनल मिलती है। ये PLS TFT है, नॉट दी IPS पैनल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉच कैसा है, ये ड्यू ड्रॉप नॉच है जो 2018 का टेक था। बैक टू द गैलेक्सी A23, यहाँ पे भी आपको 6.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले मिलती है। दोनों डिस्प्ले एग्जैक्टली सेम है, लेकिन जो एक डिफरेंस ये है कि इस फोन में आपको 90Hz का डिस्प्ले मिलता है, जबकि यहाँ पे कोई भी 90Hz का डिस्प्ले नहीं है, जस्ट स्टैंडर्ड 60Hz का डिस्प्ले है। बैक टू द सैमसंग गैलेक्सी A53, ये मोर एग्जैक्टली आप कह सकते हैं सेम डिस्प्ले है जो गैलेक्सी A52S में था। एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया, 6.5 इंचेस का है और ये 120Hz डिस्प्ले है, फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले है, इसकी पीक ब्राइटनेस अराउंड 800 निट्स की है। हाई यहाँ पे आप 120Hz का या 60Hz का रिफ्रेश रेट पाते हैं। ओके लेट्स गेट इनसाइड, देखते हैं एप्लीकेशन क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे प्री स्टोर में। एमोजी, स्नैपचैट, सैमसंग मैक्स, ट्रू कॉलर भी यहाँ पे प्री स्टोर मिलता है। फोन पे, जोश, बायजूस, गेम लॉन्चर, सैमसंग ग्लोबल, फेसबुक मिलेगा, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स। लेट्स सी अनइंस्टॉल हो पाते नहीं हो पाते हैं, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन आपको अनइंस्टॉल ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सैमसंग पे मिनी मिलता है इन दोनों फ़ोन में, ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ पे आपको लिंक्डइन, वन ड्राइव, गूगल के तो ऑफकोर्स आपको एप्लीकेशन मिलेंगे ही मिलेंगे, एंड सैमसंग के इटसेल्फ भी काफ़ी एप्लीकेशन है, सैमसंग मैसेजेस भी है, इंटरनेट भी है। लेट्स सी सैमसंग का यहाँ पे डायलर है, सो ऑफकोर्स यहाँ पे आप फोन रिकॉर्डिंग का फीचर पा जाएंगे। बट बेस्ट पार्ट क्या है, विद द सैमसंग गैलेक्सी A53 इन द सॉफ्टवेयर कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि 4 मेजर सॉफ्टवेयर वर्जन आपको मिलेंगे। तीनों फोन में आपको एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, दैट मीन्स यहाँ पे एंड्रॉयड 12 है, 13, 14, 15, एंड्रॉयड 16 तक ये फोन जाएगा। फोन तो चला जाएगा बट सैमसंग के फोन्स की बैटरी आई थिंक थोड़ी सी वीक हो जाती है। पिछले 5 साल से तो मैं सैमसंग वैसे प्राइमरी यूज़ कर रहा हूँ, ये तो मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि बैटरी वीक हो जाती है, परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाती है। इवन S22 अल्ट्रा आजकल थोड़ा सा लैग करता था, आई डोंट नो 4 साल बाद ये फ़ोन कितना तेज काम करेगा, बट स्टिल अगर आप कैजुअल यूज़र हैं तो आपके लिए तो ये काम कर ही जाएगा। ऑन दी स्पेक्स वाइज तीनों फोन आपको 6 और 8 GB मिलेगा, SD कार्ड भी लगा सकते हैं, बेस वेरियंट भी आपको मिलता है। CPU वाइज गैलेक्सी A30 में जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ, यहाँ पे सैमसंग एक्नोस 8 ऑक्टा 850 को CPU है, ऑफकोर्स सैमसंग का ही प्रोसेसर होगा। यहाँ पे जो प्रोसेसर मिलता है वो स्नैपड्रैगन 680 है, 6 सीरीज का प्रोसेसर आजकल काफ़ी पॉपुलर है, 695 5G आपने देखा है पोको रेडमी इन सब में आ रहा है। गैलेक्सी A53 में आपको एक्सिनॉस 1280 मिलता है। अब मुझे कंपेयर करना पड़ेगा विद द स्पीड टेस्ट लाइक द ओल्डर स्नैपड्रैगन 778G 5G से कितना परफॉर्मेंस का डिफरेंस है। ओके लेट्स गो आउटसाइड गाइस, चलिए कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं, वीडियो सैंपल्स लेते हैं, देन देखते हैं एग्जैक्टली तीनों फ़ोन कैसे हैं। वेलकम बैक अगेन। फ़ोन को मैंने यूज़ भी कर लिया, कैमरा भी टेस्ट किया एंड यूज़ भी किया जस्ट टू सी कि लाइक
कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन डे वन में। ऑलराइट, लेट्स चेक आउट किस फोन में क्वालिटी कैसी आ रही है। अभी जस्ट ब्राइट आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में है, ये स्टैंडर्ड मोड है, नॉन हायर मेगापिक्सल मोड में है। वैसे ब्राइट लाइटिंग कंडीशन में देखा जाए तो फोटोज ठीक है, लेकिन आप देखेंगे शार्पनेस थोड़ी सी ज़्यादा आपको मिलेगी गैलेक्सी A53 में। अगर जैसे मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्चुअली में टेम्पल ज़्यादा शार्प है एंड अल्ट्रा वाइड तीनों फोन में मिलते हैं। ये एक्चुअली अच्छा लगा बिकॉज जनरली बजट फोन्स में आजकल अल्ट्रा वाइड आप देखेंगे हटने लगे एंड सरप्राइजिंगली A53 में आप देखेंगे थोड़ा सा आप देखेंगे कलर यहाँ पे ज़्यादा चेंज सा हो गया है, बट डिटेल्स आप देखेंगे ज़्यादा बेटर कैप्चर हुई अल्ट्रा वाइड के सेंसर में, बिकॉज यहाँ पे जस्ट 5.5 A13 A23 में वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए बेटर क्वालिटी वहाँ पे आपको मिलेगी। इसे चेक करते हैं यहाँ पे किस फोन में सबसे बढ़िया। वैसे देखा जाए तो तीनों फोन एकदम एक्यूरेट तो है ही नहीं, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। फॉर एग्जाम्पल A53 में आप देखेंगे यहाँ पे हल्का सा कलर है ना वो अंडर सैचुरेटेड है, बट डिटेल शार्पनेस सबसे बढ़िया है। ओके, A23 में ऑन दी अदर हैंड रेड के बजाय थोड़ा सा पिंक टोन आप देखेंगे ज़्यादा आ रहा है। ओके, A13 समहाउ मुझे क्लोज लग रहा है बट डिटेल्स थोड़ी सी कम है। यहाँ पे कलर चेक करें तो नियरली तीनों फोन में अलग बिहेवियर मिल रहा है, आई डोंट नो ऐसा क्यों है, लेकिन सबसे बेस्ट फोटोग्राफ ऑब्वियसली आपको मिलेगी A53 में। यहाँ पे भी देखें ये थोड़ा सा पिंक फ्लावर है, एक्चुअली कंप्लीट रेड नहीं है, तो A13 में ऑब्वियसली आप देखेंगे कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, ज़्यादा डार्कनेस ज़्यादा हो गई है, और A23 A13 यहाँ पे ठीक ठाक है। वैसे यहाँ पे सबसे एक्सेलेंट डिटेल अभी भी A53 में ही है, कलर्स डिटेल्स सभी कुछ ठीक यहाँ पे आ रहा है, ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। A13 में ऑब्वियसली आपको उतने बढ़िया कलर्स मिल नहीं रहे हैं, थोड़े से डल ज़्यादा हैं। A23 ऑन दी अदर हैंड ठीक ठाक दिख रहा है, क्लोज टू A53 के आप कह सकते हैं। अब मैक्रो शॉट लेते हैं, यहाँ पे देखिए 5 मेगापिक्सल मैक्रो आप ले सकते हैं A53 में, A23 A13 में आपको जस्ट 2 मेगापिक्सल मैक्रो। अब आपको हायर मेगापिक्सल का हाथी दिखाता हूँ। शार्पनेस सबसे बढ़िया यहाँ पे A53 में है, आफ्टर दैट A23 A13 नियरली क्लोज है, A23 में थोड़ा सा बेटर है। फोकसिंग ऑन दी मिडिल लेडी द ग्रीन कलर एक्यूरेसी अगेन काइंड ऑफ 90% सब में है बराबर, एकदम एग्जैक्टली 100% किसी में नहीं है। अब कुछ आर्टिफिशियल लाइटिंग की फोटोग्राफ्स देखें, मार्बल क्वीन काफ़ी डिफिकल्ट होता है इसको मेंटेन रखना रियली। जैसा आप पैसा पे करेंगे वैसा आपको डिटेल मिलेगा, बट A23 भी सो फॉर ठीक काम कर रहा है। लेट्स चेक आउट दी पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट सरप्राइजिंगली A13 में मुझे अच्छा पोर्ट्रेट लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा था कि पोर्ट्रेट इतना बढ़िया परफॉर्म करेगा, बट बजट होने के बावजूद भी पोर्ट्रेट शॉट काफ़ी बढ़िया आया है। अनदर शॉट ये भी कंप्लीट लो लाइट में, इंडोर में जस्ट स्मॉल सी लाइट है, फोकस करें यहाँ बुक्स पे। A53 विदाउट इवन नाइट मोड सबसे बढ़िया डिटेल यहाँ पे भी आ रही है, एंड विथ नाइट मोड टर्न ऑन अगेन डिटेल्स काफ़ी ठीक आ रही है इसमें। ऑन दी सेल्फी कैमरा A13 एंड A23 में आपको 8 मेगापिक्सल मिलता है फ्रंट कैमरे में, सो क्वालिटी ठीक ठाक ही आएगी, बहुत सुपर इंप्रेसिव तो नहीं आ सकती। A23 में एटलीस्ट 16 तो देना चाहिए बिकॉज ये तो 20K के प्राइस के ऊपर का हो गया, तो यहाँ पे इतना तो मिलना चाहिए, बट ऑन A53 आपको 32 मेगापिक्सल मिलता है जिसमें डिटेल शार्पनेस क्वालिटी सभी कुछ अच्छी मिलेगी। एक्चुअल में गाइस यूजेज एक्सपीरियंस कैसा रहा इन तीनों फोन में, स्टार्टिंग विद दी A13। आई डोंट नो गाइस A12 जो इतना ज़्यादा सोल्ड हुआ है, जो वर्ल्ड के टॉप 10 सेलिंग फ़ोन में आ चुका है, एक रीज़न ये भी सोचता है कि इंडिया में तो आपको बहुत से बजट ऑप्शन मिलते हैं लाइक रेडमी रियलमी बहुत सारे हैं वीवो एंड सब कुछ हैं, एब्रॉड में US UK में इतने बजट ऑप्शंस हैं नहीं, तो प्रॉब्ली अगर किसी को चीप फोन लेना है तो वो सैमसंग का ही लेता है, दैट्स व्हाई आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा सोल्ड हुआ है। इस फोन की परफॉर्मेंस लाइक मैं कहूँगा कि जिस प्राइस में, ऑब्वियसली सैमसंग के फ़ोन तो ओवर प्राइस होते ही हैं अगर हम कंपेयर करें अदर बजट फोन्स के, इस प्राइस में आपको ऑब्वियसली 5G फ़ोन मिलेंगे और ज़्यादा बेटर परफॉर्म भी करते हुए मिलेंगे, बट स्टिल ओके इस परफॉर्मेंस है, अब क्या कहें ठीक ठाक काम करा। अगर आप सुपर ज़्यादा इसमें हैवी यू नो लोड करेंगे तो शायद ये फ़ोन आपको लैग करने लगे, बिकॉज मुझे ये फ़ोन थोड़ा सा लैगी फील होता है, लेकिन इसकी ठीक ठाक ही काम कर रहा है, बहुत सुपर फास्ट नहीं है, एकदम ओके ही है, देखिए एक बार में अनलॉक भी नहीं होता है, थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस इसमें लैग वाला फील होगा। ओके, मूविंग टू द A23, ये फ़ोन थोड़ा सा फास्ट है, एकदम सुपर फास्ट नहीं लेकिन फास्ट फ़ोन यहाँ पे है, और अगर मैं आपको इन दोनों का बेंचमार्किंग भी दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कि बेंचमार्किंग कितना है, 2,23,000 है यहाँ पे, 1,22,000 है। ओके, तो ये स्नैपड्रैगन आप 7 सीरीज के क्लोज मिलेंगे, तो आई बिलीव 720 के आसपास पहुँच सकता है 4G के इक्विवेलेंट में, सो ठीक ठाक है। इस फ़ोन की परफॉर्मेंस तो बेटर है लॉट कंपेयर टू A13 के,
सुपर फास्ट नहीं है बट स्टिल मैनेजेबल है, आप काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। डिस्प्ले अगर इसका एमोलेड होता तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस बेटर रहता, बट यहाँ पे वो हिसाब नहीं दिया गया है। ओके, मूविंग टू A53, ये फ़ोन ऑब्वियसली फास्ट तो परफॉर्म कर रहा है, स्लो तो नहीं है क्योंकि प्राइस ईयर भी है और प्रोसेसर इसका उतना बैड नहीं है। लोग, मैंने काफ़ी सुना था, रिव्यू में पढ़ा था आर्टिकल्स की क्रैपी प्रोसेसर, लेकिन मुझे अभी तो ठीक ठाक लगा। मुझे स्पीड टेस्ट करना पड़ेगा विद द A52, देन समझ में आएगा कि कितना कितना बैड है, कितना फास्ट है। और स्नैपी है इतना भी, ये स्लो नहीं है। आई डोंट नो, अब ये हीटिंग इश्यूज टेस्ट करनी पड़ेगी, गेमिंग एक्सपीरियंस चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। वैसे स्पीडियर है, कोई यहाँ पे ऐसा इश्यूज नहीं आ रही इसको यूज करने में। मोस्ट अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन आप कह सकते हैं, चीपेस्ट एप्पल स्मार्टफोन अगर आप लेना चाहते हैं, और ये है iPhone SE 3। इसकी कीमत है 44,000 रुपए, यानी कि 43,999 रुपए। ये है मोस्ट अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन आप कह सकते हैं, चीपेस्ट एप्पल स्मार्टफोन अगर आप लेना चाहते हैं, और ये है iPhone SE 3। इसकी कीमत है 44,000 रुपए, यानी कि 43,999 रुपए। एप्पल ने लॉन्च किया है अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन आप कह सकते हैं, चीपेस्ट एप्पल स्मार्टफोन अगर आप लेना चाहते हैं, और ये है iPhone SE 3। 44,000 रुपए, यानी कि 43,999 रुपए। स्पीकर्स तीनों फ़ोन के मुझे ठीक लगे। A13 A23 में आपको जस्ट सिंगल बॉटम स्पीकर मिलता है, इवन फुल वॉल्यूम पे भी ऑडियो आउटपुट एकदम बढ़िया रहा है। ऑन दी अदर हैंड A53 में आपको ट्यूबल स्पीकर्स मिलते हैं बॉटम एंड ऑल्सो ऑन द ईयरपीस ग्रिल। 60-40 और 75-35 आप कह सकते हैं आउटपुट रेशियो है, तो साउंड क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट है। ऑन दी बैटरी तीनों फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। चार्जर भी आपने देख लिया बॉक्स में कितने कितने कैपेसिटी का मिलता है। सैमसंग के बजट फोन्स के बैकअप तो अच्छे होते हैं, लेकिन प्रीमियम फोन लाइक नहीं वर्क करता है। ये मेरा है S22 Ultra, एवरीडे नाइट में जस्ट 18%, 15%, 10% ही बचता है, जस्ट मिक्स यूसेज में, कोई गेमिंग हम नहीं करता। एंड ऑन दी एक्स्ट्रा A53 में ऑब्वियसली आपको वाटरप्रूफिंग मिलती है, वो तो हम ड्यूरेबिलिटी में टेस्ट करेंगे। सो दैट्स इट गाइस फॉर दी मेगा अनबॉक्सिंग ऑफ द लेटेस्ट सैमसंग A सीरीज, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दी ड्यूरेबिलिटी एंड दी A33 एंड A73 अनबॉक्सिंग ऑल्सो। थैंक यू सो मच, दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।